वीडियो आया था कि पब्लिक लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पेड क्वारंटाइन के लिए, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, मैं तो दीसी साहब के साथ सहमत हूँ कि लोग जितना भी पेड क्वारंटाइन्स जो बनाए हैं, फैसिलिटीज बनाए हैं होटल्स में और जैसे लेकी में, या इवन अभी भी सुनने में आए मिटपू में भी अभी प्रोटेस्ट कर रहा, अभी एट दिस मोमेंट आज तंचुआ ने अभी कर रहा है, तो ये गलत बात है। देखिए, हम सब डरते हैं बाहर से, हमारे जो बच्चे हैं या यूथ्स है जो हमारे ही उम्र के हैं, जो वहाँ पे नौकरी भी करते होंगे या कुछ मेडिकल केसेस में गए हैं, तो इन लोग तो वापस आ रहे हैं और उन्हें हम मना भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि अपने लोग हैं और वहाँ भी इनको तकलीफ है। तकलीफ नहीं होते तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं इनको कि ना आए तो अच्छा है, लेकिन इन लोग आ ही रहे हैं तो हमें तो उनका भी देखभाल करना है। तो पेड क्वारंटाइन्स इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि जो गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर्स जैसे PTC हैं, वहाँ में कैपेसिटी कम पड़ गया है, क्योंकि ऐसे भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तो ये अच्छी बात नहीं है। उस दिन 3D होटल का सामने में भी कुछ प्रोटेस्ट हुआ था, उसको तो हम लोग, मेरा SDPO जाके समझा बुझाया है, तो लोग दे आर वेरी गुड, उसके बाद इनको समझ गए। और बहुत अच्छी बात है कि 3D का मालिक ने, जो होटल ओनर है, इन्होंने इवन हमारे जो वहाँ पे 34 लोग बैठे थे पर्स बैच, उनको इवन होटल बिल्स इनका जो स्पेशली रूम पे रूम चार्जेस है उसको ये माफ़ किया है, तो बहुत अच्छी बात है। और कल सुनने में आया होटल तोया में जो नहा लगने, उधर भी कुछ प्रोटेस्ट हुआ, ये अच्छी बात नहीं। और लेकी में भी उस दिन कुछ प्रोटेस्ट हुआ, तो उसको तो हम लोग ये माना उना के समझा उजा के इनको समझ गए। तो सर, डोंट यू थिंक ये जो पेड क्वारंटाइन है वो पब्लिक प्लेसेस के सामने ही है, तो आपको नहीं लगता कि वो थोड़ा दूर होना चाहिए ताकि पब्लिक लोग को भी सेफ लगे और सोशल डिस्टेंसिंग भी इसमें मेंटेन है? हाँ, सही बात है, इसको तो मैं सहमत करता हूँ। जैसे होटल वाई है और दूर पर दूर जो थोड़ा दूर हो, जैसे एक दो होटल है, लेकिन ऐसा है कि मैक्सिमम होटल देखा गया तो या तो रोड साइड में है या कॉलोनीज में है, क्राउडेड प्लेसेस में, तो इतने लोग आ रहे हैं। आज भी मैं आपका फिगर बताता हूँ, आज हमारे जो सुबह का 10 बजे तक 318 लोग पेड क्वारंटाइन्स में बैठे हैं कैपिटल में, तो उन लोग एक दो होटल में नहीं मिले। और हमारे यहाँ होटल इतना बड़ा नहीं है जो एक होटल हो के 500 रूम्स हो, 1000 रूम्स हो, ऐसा कोई भी नहीं है। तो मेरे पुलिस वालों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है, अगर एक होटल होता तो हम गार्ड देने में बहुत ईजी था। अभी आज का दिन में हम 23 होटल में गार्ड दे रहे हैं, सोच के देखिए 23 होटल्स, तो बहुत बड़ा होता है, उसमें 24 आवर्स होगी, तो इसलिए हमें भी तकलीफ है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि हम अगर उनको पेड क्वारंटाइन या फैसिलिटी क्वारंटाइन नहीं देंगे, तो आप सबको पता है कि अगर उन लोग होम क्वारंटाइन उनको एडवाइस करेंगे तो अरुणाचल में तो होम क्वारंटाइन हमारे लोग मानते ही नहीं, अच्छी बात नहीं। अगर होम क्वारंटाइन अगर डिसिप्लिन से करते तो हम लोग भी सब खुश रहते, हमारा गवर्नमेंट भी खुश रहते, एडमिनिस्ट्रेशन खुश रहते, हाँ ठीक है अपना से इन लोग होम क्वारंटाइन बैठ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा डॉक्टर उनका विजिट करते, टेस्ट वेस्ट करवाते। सो एज पर द सोर्सेज, पब्लिक का कंप्लेन है कि होम क्वारंटाइन पे भी पुलिस अगर चेक हमेशा अपडेट रहने से ठीक होगा? नहीं, देखिए, एक तो है पुलिस मेडिकल एडवाइस, ये है कि पुलिस जो है जो सस्पेक्ट है उनका पास ना जाए सामने, जो होम क्वारंटाइन को विजिट भी करते हैं और मेडिकल स्टाफ भी करते हैं, तो हमको कभी ज़रूरत पड़ने से हम पुलिस पार्टी भी साथ में जाते हैं। तो अभी जस्ट आप थोड़े आने से पहले भी किसी ने मुझे फ़ोन किया, सर इन लोग 3-4 दिन पहले होटल में टे क्यों निकाल गया बोला। मैंने तो बताया, देखिए होटल से अभी कोई भी नहीं निकल रहा है, डॉक्टर जब तक एडवाइस नहीं करता मेरा पुलिस उन्हें जाने बाहर बिल्कुल जाने नहीं देते। हमारे दो कंडीशन है बाहर जाने का, एक है कि मेडिकल का रिलीज सर्टिफिकेट हो जो निगेटिव टेस्ट होने से, दूसरा है होटल का बिल क्लियरेंस हो गया तब निकालने देते हैं। तो हम लोग अगर होटल बिल क्लियरेंस नहीं है उसमें भी अंडरटेकिंग में हम निकालने देते हैं, क्योंकि उसको रखना भी ठीक नहीं होती। तो 3-4 दिन में शायद आजकल टेस्ट कर रहे हैं इसलिए निकाल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि निकालने के बावजूद भी होटल से अगर निकाल भी जाते हैं फेड क्वारंटाइन से या PTC से, तो उनको होम क्वारंटाइन करना है, क्योंकि ये है ना कोरोना वायरस बहुत अजीब है। क्योंकि सुनने में आता है कि आप एक बार निगेटिव टेस्ट हुआ, दोबारा भी निगेटिव टेस्ट हुआ कभी कभी, और तीसरी बार भी निगेटिव टेस्ट हुआ, तो फोर्थ टाइम में भी कभी कभी पॉजिटिव आता है बोला है, तो हम लोग ऐसा सुन रहा है न्यूज़ में ना। और प्लस उसमें आपका टेस्ट में भी हमारा एवरीथिंग परफेक्ट होना पड़ेगा, तभी
सही मतलब रिजल्ट आएगा। जैसे स्वैप कलेक्शन से लेकर वो भी सही ढंग से कलेक्ट होना पड़ेगा। अगर गलत ढंग से कलेक्ट होगा तो मेरा कल से सही रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद वो कितना टाइम कैसे उसको प्रिजर्व करता है स्वैप को, वो भी जरूरी है। उसके बाद उस स्वैप को प्रॉपरली कलेक्टेड हो, प्रॉपरली प्रिजर्व हो, उसको कैसे टेस्ट करते हैं, किस तरह का टेस्ट करते हैं, और उसको हैंडल करने वाला कौन लोग है टेस्ट करने वाला, और रिजल्ट को कौन देखता है, वो सब पर मैटर करता है ना। तो इसलिए हम तो बहुत डर लगता है, कैपिटल में भी अभी आने का बहुत चांस है। सर, लॉकडाउन फेज फोर पे अभी बहुत सारे लोग पब्लिक लोग बाहर पे हैं, क्योंकि इस पे एसेंशियल कमोडिटीज एसेंशियल सर्विसेज ही बाहर पे बहुत भीड़ होता है। नहीं, ये आपको गलत फहमी है। अभी लॉकडाउन फोर में नॉट ओनली एसेंशियल कमोडिटीज, नॉट ओनली एसेंशियल सर्विसेज, ऑल आर अलाउड। दुकानें भी खोलवा दिया है, इन पब्लिक कैन ऑल्सो गो, पब्लिक कैन ऑल्सो गो, लेकिन उसमें यह है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए दुकानों में भी, और गाड़ियों में भी 50% बसेस का 50% मैक्सिमम कैपेसिटी। उसके बाद गाड़ियों में भी जैसे फोर व्हीलर का अलग से कैपेसिटी बना दिया है, ऑलरेडी निकाल दिया है, जैसे 1+2 या 1+3 ऐसे समथिंग। डीसी ने भी कुछ रिसेंटली ऑर्डर निकाला है ऑटो टेम्पो ट्रेकर ये सब का और बसेस का। तो इसलिए बहुत फ्री हो गया लॉकडाउन फोर में, ऑलमोस्ट रिलैक्स हो गया, एक्सेप्ट रात को जो 144 है 7 PM to 5 PM, तो उस पर मैं पब्लिक को रिक्वेस्ट करूँगा कि अनटिल एंड अनलेस यू आर एग्जेम्प्टेड, लाइक पुलिस, मजिस्ट्रेट, मेडिकल, मीडिया, या मेडिकल इमरजेंसीज में जो भी जा रहे हो, या एसेंशियल कमोडिटीज, इनको सर के आप प्लीज़ बाहर ना आए। हमारे पुलिस को बहुत तकलीफ होना पड़ता है, हम भी आपके साथ कोई आर्गूमेंट करना नहीं चाहते, लेकिन आप एक ही आर्गूमेंट करते रहते हैं मेरे जवानों के साथ। मेरे जवान भी बहुत थक गए, और उनका तो आधा से ज़्यादा साथी भाई तो अभी होटलों में गार्ड करने में लगा है, PTC में भी मेरा 45 अभी भी लगा हुआ है, अभी लेकी में भी हमने लगाना पड़ रहा है। तो हमारा पूरा स्केटर है, और हमारा मेन जो है पहले जो 6 घंटा काम करता था, अभी 8 घंटा 10 घंटा काम करना पड़े। कोई कोई जो है होटल में जो क्वारंटाइन है उसमें तो हम एक शिफ्ट में ही 24 आवर काम कर रहे हैं, ऐसा हालत है हम। तो इसलिए हमारे साथ काइंडली कोऑपरेट कीजिए। सर, सुनने को आया कि बहुत सारे बच्चे जो है क्वारंटाइन से निकल गए, कितने पिगल्स निकले हैं आप बता सकते हैं? नहीं, अभी तो मुझे PTC का अभी हमको पता नहीं, क्योंकि PTC जो अभी DC SP UPI के अंदर कर दिए हैं। तो हमारे जो कैपिटल में है उसका मेरा फिगर है, अभी तक 507 कैपिटल में पेड क्वारंटाइन का इंक्लूडिंग नेम को डिस्चार्ज हुए हैं, और अभी फिलहाल 318 है मतलब क्वारंटाइन में। तो कुल मिला के अभी तक डिस्चार्ज प्लस जो अभी क्वारंटाइन में कुल मिलाकर 825 है अभी मतलब हुआ है। तो PTC में तो और भी ज़्यादा है, PTC में तो नंबर भी ज़्यादा है। और सुनने को आया है कि जो प्रोटेस्टर है वो काफ़ी पुलिस पर्सनल और मीडिया ये मेडिकल टीम जो है उनको भी हैरस करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना? हाँ, हरस थोड़ा मतलब आर्गूमेंट ये करता, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं है कि मारपीट हुआ, और हम भी किसी पर लाती बरसाना नहीं चाहते, लाती एक भी लाती मारना नहीं चाहते। पब्लिक को भी मेरा रिक्वेस्ट है कि हम पुलिस वाले जो है ना आपको सर्व करने के लिए, आप पर कोई दबाव करने या रूल करने के लिए नहीं बैठा। यहाँ जो इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ में पुलिस राज नहीं चलता है, पब्लिक का राज चलता है। तो हम आपका सर्वेंट है, लेकिन सर्वेंट है आपको, हम अच्छा से सेवा करना चाहते हैं, आपको वायरस ना लगे बोल के हम गार्ड कर रहे हैं, उस पर आप साथ दीजिएगा। हमारे नेबरिंग कंट्री स्टेट में असम में बहुत कोरोना वायरस पॉजिटिव 170 हो गए। हाँ, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, अभी अरुणाचल में मुझे तो लगता है कि आ ही जाएंगे होंगे या आ भी गए होंगे। हम बिल्कुल अरुणाचल में कोरोना वायरस बिल्कुल नहीं होगा बोल के सोचना गलत बात होगा। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं ईटानगर में भी, कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल एक बहुत ही वल्नरेबल एरिया है, क्योंकि यहाँ पोरस एरिया बहुत है, कोई भी यहाँ घुस सकते हैं। ऐसा कल भी 2-3 इंसिडेंट सुनने में आया कि यहाँ से पास लेके गया था असम में, फिर असम में वो कोई रुकचिन में कोनबो में ज्वाइन हो गया, क्योंकि उधर में पोरस एरिया है, वहाँ में हम भी ईशानोर जाना है बोल के कोनबो में ज्वाइन हो गए। हम ऐसे ऐसे को हम लोग केस रजिस्टर कर रहे हैं, तो एक दो तो छुपा छुपी भी आया है, तो उनको भी हम लोग केस रजिस्टर कर रहे हैं। तो पब्लिक से हमारा रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल सावधानी बरते, और जितना हो सके
आपका कोई काम नहीं है तो घर से ना निकले, हो सके तो जितना भी आपका खाने पीने का वो आप डिलीवरी जो होम डिलीवरी सर्विसेज से मंगाइए। वेरी रेयर केसेस में, इमरजेंसी केसेस में, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, ड्यूटी में जाना नहीं है, तो आप काइंडली घर में बैठिए, घर में बहुत एंजॉय कीजिए लाइफ को। घर में बहुत कुछ टीवी देख सकते हैं, थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ब्रीदिंग सीदिंग योगा कर सकते हैं, आप जी भर के अभी बच्चों का साथ बैठ सकते हैं, पहले नहीं बैठने मिलता था, ये कर लीजिए। और असम में आ गया तो असम तो किया, यहाँ पे असम हमारा जो विश्वनाथ सरियाली में भी आ गया, लखीमपुर तो पहले से आया हुआ है, उस दिन सुजीसा में आया, मतलब ऑलमोस्ट हमारा जो नेबर है, नॉट ओनली नेबरिंग स्टेट बट नेबर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी आ गए हैं। तो हमारा बहुत सावधानी बरतना और भी जरूरी हो गया।